सब्सक्राइब कीजिए पेट्स प्लाजा चैनल को, उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, ये जो वीडियो है ये आपका डिफरेंस दिखा रहा है अलास्कन मालामूल वर्सेस साइबेरियन हस्की। ये जो है फीमेल है, ये साइबेरियन हस्की है, इसका हाइट है 22 इंच और इसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 23 किलो। मेल साइबेरियन हस्की का जो हाइट होता है वो मैक्सिमम है 23.5 इंच और वेट अप टू 27 किलो। अलास्कन मालामूट मेल शुड बी अराउंड 25 to 26 किलो, वेट अराउंड 38 किलो और फीमेल 23 किलो, वेट अप टू 34 किलो। साइबेरियन हस्कीज में आपका ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड वाइट, कॉपर एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट, वाइट, ब्लैक एंड वाइट, अगौती, ये कलर साइबेरियन हस्की के कोट में पाया जाता है। अलास्कन में यूजली कॉपर एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट, अगौती और वाइट अलास्कन बहुत रेयर है। तो सर दोनों का मेंटेनेंस, दोनों का मेंटेनेंस में क्या क्या डिफरेंस है? मेंटेनेंस अगर आप दोनों का देखते हैं तो साइबेरियन हस्की इस मतलब रिलेटिवली सस्ता होता है अगर आप घर का खाना खिलाते हैं कंपेयर टू डॉग फूड। एग्जांपल अगर हम लेते हैं, हमारी साइबेरियन हस्की 450 ग्राम बोनलेस चिकन खाती है एवरी डे। उसमें और भी इंग्रीडियंट्स है जैसे चावल है, सब्जी है, कोकोनट ऑयल है, तो भी हमारे हिसाब से 4,500 रुपये से कम खर्चा होना चाहिए। हमारा अलास्किन जो है वो करीब 950 ग्राम बोनलेस खाता है एंड वेजिटेबल्स वगैरह। अब आप बोनलेस चिकन के हिसाब से ही अपना वर्कआउट कर सकते हैं मंथली कंजम्पशन कितना, बट अपना डॉग फूड से सस्ता। तो सर दोनों को क्या आप डॉग फूड नेसेसरी होता है या कि घर के खाने पे आप रख सकते हैं? हमारे पपी जो हमारे ये भी जब हमारे घर आए थे तो इमीडिएटली इनको मतलब ट्रांजिशन करना पड़ता है, ब्रीडर से पता करना पड़ता है कि क्या खाना है। अगर ये डॉग फूड खा रहा है तो इट टेक्स अराउंड 7 to 8 days ट्रांजिशन करने में टू होम फूड। एकदम से घर का खाना खिलाएंगे तो हो सकता है पेट अपसेट हो सकता है। सर दोनों ब्रीड का ओरिजिन कहाँ से है? साइबेरियन हस्की जैसे बोलते हैं साइबेरिया से ही हुआ है एंड अलास्कन मालामूट इज अ ब्रीड फ्रॉम अलास्का US। तो सर दोनों ब्रीड का पर्पस क्या था ब्रीडिंग के लिए? दोनों ब्रीड जो थे वो साइबेरिया एंड US में वो स्लेजिंग के लिए चालू किया था, डॉग स्लेजिंग। एंड जैसे आप सबाला हस्कीज के हिस्ट्री में जाइए तो आप उधर में देखोगे जब द नोम रन जहाँ पे साइबेरियन हस्कीज एंड अलास्कन मालामूट स्लेज के थ्रू दवाइयाँ ट्रांसपोर्ट किए थे, दैट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट। तो दीज डॉग्स आर बेसिकली वर्किंग डॉग्स। तो सर दोनों में प्राइस क्या डिफरेंस है? प्राइस काफी डिफरेंस है। साइबेरियन हस्की देखिए आपका दिल्ली NCR पंजाब डेल्टा अगर आप चले जाते हैं तो यू कैन गेट साइबेरियन हस्की 20 to 30-35 thousand, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड द काइंड, मतलब आप फीमेल को कैसे रखते हो, मेल को कैसे रख रहे हो, बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है। अलास्किन के रेट हाई है बिकॉज अलास्किन अभी कॉमन नहीं है इंडिया। हमारा टारगेट है कि इनके रेट्स कम करने पे करना अनदर 2 इयर्स। तो सर मेंटेनेंस में जैसे एसी या कूलर या फैन दोनों में कौन ज्यादा एडजस्टेबल है कोलकाता के वेदर में या इंडिया क्लाइमेट में? देखिए हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे गर्मी इतनी नहीं होती कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया या सदर्न पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया जहाँ पे 42-45 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री 50 भी चला जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी के टाइम में हमको मॉनिटर करना पड़ता है कि अगर हम बहुत हमको अनकम्फर्टेबल लग रहा है उस समय हम एसी में इनको शिफ्ट करते हैं, अदरवाइज
आप भी जैसे आए हैं आपने भी देखा था कि पंखे के नीचे में देवर वेरी कम्फर्टेबल। तो सर यदि कोई भी नए नए जो डॉग लवर है तो लेने के लिए, तो कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा कंफर्टेबल होगा उनके लिए, और ये उस क्लाइमेट में, जिस क्लाइमेट में वो कौन से सिटी में रह रहा है? नहीं देखिए, क्योंकि हम साइबेरियन हस्की और अलास्कन ब्रीड करते हैं, हमारे को टोटल कॉन्फिडेंस है, ये इंडिया में कोई इश्यू नहीं। थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखानी पड़ती है, जैसे मैंने बताया ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गया, और ह्यूमिडिटी लेवल आपका बरसात के टाइम में ही बढ़ता है। एंड ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड होम मेड फूड इज द बेस्ट, बिकॉज उसमें आपके प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स नहीं रहते। यदि कोई नए व्यूवर्स लेना चाहे तो आप कौन सा ब्रीड प्रेफर करोगे पहला लेना? देखिए साइबेरियन हस्की तो आजकल काफी कॉमन हो जा रहे, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा अलास्कन मालामूस। और इसकी एक और वजह है, अलास्कन मालामूस आर मोर ट्रेनेबल, साइबेरियन हस्की थोड़े से स्टबल होते हैं। और दोनों ब्रीड में मतलब घर पे रखने के लिए कौन सा हाउलिंग करता है या कौन सा मतलब ज्यादा बार्क करता है? नहीं, ये दोनों ब्रीड्स बार्क बहुत ही कम करते हैं, और वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपको दिखा देते हैं, जैसे आप घर में एंटर करते हैं, और अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बाहर में हमारे इंडीज जैसे हाउल करते हैं रात को, तो ये साइबरेनस की भी ज्वाइन कर लेंगे उनकी आवाज़ सुन के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे आस पड़ोस जो रहते हैं उनको तो एहसास ही नहीं होता कि हम 6 डॉग्स को देख रहे थे। और सर दोनों डॉग में से कौन सा ज़्यादा एग्रेसिव होता है, या बाइटिंग टेंडेंसी किसी का होता है, या प्ले बाइट भी करते हैं? नहीं, दोनों स्पीशीज ब्रीड्स बहुत ही फ्रेंडली हैं, बट देखिए कैनाइन वर्ल्ड से इन लोग बिलोंग करते हैं, तो इनके साथ अगर हम एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, उनको मारते हैं, जैसे अगर हमारे कोई गेस्ट एग्रेसिवनेस दिखाएगा, देखिए इन लोग रिएक्ट कर सकते हैं। तो दोनों डॉग में से कौन सा ब्रीड ज़्यादा डॉग शो में प्रिफर किया जाता है, या डॉग शो में आते हैं, जैसे कि आपने फेस टू फेस देखा होगा, तो कौन से डॉग ज़्यादा आते हैं फेस? नहीं देखिए साइबेरियन भी डॉग शोज में आ रहे हैं, एशियाई शोज में, अब आस्ते आस्ते अलास्कन मालामूस भी आ रहे हैं। तो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में आप वन एंड ओनली एक ब्रीडर है जो कि अलास्कन मैलाम्यूट रख रहे हैं, कि और भी कोई ब्रीडर है? नहीं, जहां तक हमारा नॉलेज है, हम लोग ये अलास्कन मालामूस ब्रीडिंग सिर्फ हम करते हैं। तो सर अपना नंबर प्रोवाइड करवाइएगा, अलास्कन मैलाम्यूट का बच्चे आपके पास अवेलेबल रहते हैं? हमारे पास 3 फीमेल्स हैं, सो अभी एक फीमेल एक्सपेक्टेड है डिलीवरी देने का बाय 25th of August, एंड एक और फीमेल बाय द एंड ऑफ द ईयर, और एक और फीमेल है मगर वो अभी पकी है, तो वो 15 महीने से पहले तो ब्रीडिंग नहीं होगा। सर बाथिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है दोनों ब्रीड में, या क्या क्या एडवांटेज होते हैं अलग ब्रीड से दोनों के ब्रीड में? देखिए साइबेरियन हस्की का एक टेंडेंसी है कि विदाउट लीश अगर आप छोड़ते हो तो वो भाग लेगा, सो आपका जैसे घर का दरवाजा भी है, अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है या आप घर से निकल रहे हैं या घर में एंटर कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी गैप मिलेगा वो निकल जाएगा। अलास्किन का हम लोग ने जो एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ नहीं। और दोनों को ग्रूमिंग में कौन सा इजी है या कौन सा हार्ड है वो बताइएगा। ऑफकोर्स साइबेरियन हस्की क्योंकि उसका फर थोड़ा सा कंपेरेटिवली बहुत लेस है, तो ग्रूमिंग में बहुत इजी हो जाता है, पर अलास्किन को अगर आप सप्ताह में 2 या 3 बार ग्रूमिंग करें तो आपका खूब जोर 20 मिनट्स लगेगा पर डे। और कौन कौन सा हेल्थ इशू आता है दोनों ब्रीड में? साइबेरियन हस्कीज में और इतना हेल्थ इश्यू नहीं देखा जाता, बट अलास्किन मालामूस में केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत से पेट ओनर्स क्या करते हैं, जब पपीज लेके आते हैं अलास्किन मालामूस, उसके फीडिंग ओवर एक्सेसिव फीडिंग कर देते हैं। एक्सेसिव फीडिंग करने की वजह से क्या होता है कि उनके पीछे वाले जो पैर है वो बेंड हो जाते और दोनों ब्रीड में मतलब लेग्स प्रॉब्लम किस में ज़्यादा आता हैं है? अलास्किन। अलास्कन मैलाम्यूट में ज़्यादा लेग्स प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो साइज भी ज़्यादा है और वेट भी ज़्यादा है हस्की के मुकाबले में। Thank you, sir.
तो होपफुली फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब में बहुत कम वीडियो है अलास्कन मैलाम्यूट के बारे में। तो आज मैं आपके इस चैनल में आपको कवर कर रहा हूँ अलास्कन मैलाम्यूट, और उसके साथ डिफरेंस भी बता रहा हूँ क्या डिफरेंस आपको फेस करना पड़ रहा है या क्या डिफरेंस होता है एक अलास्कन मैलाम्यूट में और हस्की में। तो सर इस दोनों ब्रीड में क्या क्या मिथ फैला हुआ है कि कैसे ब्रीडिंग करवा, कुछ कुछ मैंने मिथ ऐसा भी सुना है कि इसको अलास्कन के साथ हस्की मीट करवा देते हैं, तो उसके बारे में क्या आप बोलोगे? ये एकदम आपने सच बात बोली है। आज देखिए हमारे पास अलास्कन मेल है और साइबेरियन हस्की फीमेल है, हम भी आराम से ब्रीडिंग कर सकते हैं। और हमको बहुत से लोगों ने बोला है कि राहुल आप ब्रीडिंग करो, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, बोले चबी पपी मोटा पपी, मगर हमको मालूम है इट इज नॉट अ प्योर ब्रीड हस्की। और आज इंडिया में सैडली ये देखा जा रहा है कि अलास्कन और साइबेरियन हस्की का ब्रीडिंग हो रहा है एंड पपीज आ रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ केसेस। एंड मैं झूठ बात नहीं बोलूंगा, मेरे यहाँ काफी साइबेरियन हस्की ब्रीडर्स अप्रोच किए हैं कि मेरा अलास्कन बॉय के साथ ब्रीडिंग करने के लिए, रात तक मैंने अलाउ नहीं किया।